तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम करेंगे एक एक्सपेरिमेंट जहाँ पे हमारे पास है एक प्लास्टिक की बॉल और दिवाली में यूज़ होने वाले विस्लिंग रॉकेट्स। और ये जो रॉकेट होते हैं, इनका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसको हम लगाएंगे बॉल में और उसके बाद चलाएंगे। तो यहाँ पे एक रॉकेट को लगाएंगे क्लॉकवाइज और दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे हमने दोनों रॉकेट को बॉल पे लगा दिया है। अब देखना ये है कि क्या होता है, तो इंतज़ार किस बात का, चलिए चलाते हैं। और दूसरा चला दो, क्या करें, रहने दो रहने दो, आ जाओ बाद में। तो दोस्तों, यहाँ पे आपने देखा कि हमारी जो बॉल थी वो काफ़ी ज़्यादा हल्की थी, जिससे कि वो ग्राउंड पे रोटेट नहीं कर पाई। तो अब हम यूज़ करेंगे एक हैवी बॉल और ये है टेनिस की बॉल। तो यहाँ पे भी दोनों रॉकेट को अच्छे से लगा दिया है, तो अब देखते हैं कि इसको चलाने पे क्या होता है। ओह माय गॉड। तो दोस्तों, यहाँ पे आपने देखा हमारा जो पहला रॉकेट था वो काफ़ी अच्छे से चला, लेकिन दूसरा रॉकेट बॉल से अलग हो गया, क्योंकि दिवाली के जो विस्लिंग रॉकेट होते हैं काफ़ी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं, शायद इसी के चलते ये बॉल से अलग हो गए। और हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि ऐसा एक्सपेरिमेंट आप बिल्कुल ट्राई मत कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तो यहाँ पे हमने पूरी सेफ्टी का ध्यान रखा है, तो हमारे और क्रैकर के बीच में एक बॉर्डर आप देख सकते हैं, जिससे कि हमें कुछ नहीं हुआ और इस वीडियो को शूट करते टाइम किसी को कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों, आपने देखा कि आज का एक्सपेरिमेंट कितना इंटरेस्टिंग था। तो अगर आपके माइंड में भी कोई आइडिया आता है तो आप हमें शेयर कर सकते हैं, हो सकेगा तो उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। और अभी तो दिवाली के काफ़ी सारे वीडियोज़ आने वाले हैं, तो चैनल पे बने रहिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।